हे गाइस इट्स मी अंशु और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया क्योंकि आप लोगों का जो 1UI 3.0 या फिर आप लोग 1UI 3.1 मान लो इसके अंदर आप लोगों को कौन कौन से मेजर बग्स देखने को मिल रहे हैं विद देयर सॉल्यूशन फॉर सैमसंग स्मार्टफोन्स। आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल यहाँ पे बता देने वाला हूँ और अगर आप लोग चाहो तो ये वाले बग्स की लिस्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन पे। करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ना यहाँ पर ना 1UI के बारे में थोड़ी डिटेल्स दी गई है। अब देखो सैमसंग की अभी लेटेस्ट 1UI 3.0 चल रही है और 1UI 3.1 पे अभी वर्क चल रहा है और बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर रोल आउट भी कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जिन जिन यूज़र्स को अभी तक 1UI 3.0 रिसीव हुई है उन लोगों ने अभी तक कौन कौन से बग्स एंड यहाँ पे इशूज़ को फेस करा है तो उसकी ना यहाँ पे पूरी लिस्ट निकल के आई है। सबसे पहले आप लोगों को परफॉर्मेंस इशू मिल जाता है, देन डिवाइस हीटिंग, बैटरी ड्रेन, स्क्रीन फ्रीज, कैमरा स्टक और ब्लैंक स्क्रीनशॉट बग और थर्ड पार्टी आइकन पैक है वो नहीं लगता, AOT नहीं लग पाता एंड जो आप लोगों का सैमसंग का जो यहाँ पे पेड थीम्स है वो नहीं लग पाती हैं, मल्टीपल घोस्ट टचेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं नोटिफिकेशन लाइट के अंदर एंड यहाँ पे गेम स्पेस जो है वो क्रैश होता रहता है और यहाँ पे जो गूगल कैमरा है वो भी वर्क नहीं करता, एडेक्टिव ब्राइटनेस आप लोगों की अच्छे से नहीं चलती है, गूगल डायलर जो है वो ऑटोमेटिकली होल्ड इशू है एंड डिफॉल्ट लाइव वॉलपेपर में आप लोगों का वर्क नहीं करता, थर्ड पार्टी लॉन्चर्स नहीं करते और आप लोगों का 4G कैरियर एग्रीगेशन इशूज हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे जितने ही मैंने आप लोगों को बग्स बताए ये ना कुछ मेजर बग्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे खुद एनकाउंटर करके सैमसंग कम्युनिटी पे बोला था तो सैमसंग कम्युनिटी के थ्रू ही ये लिस्ट बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा परफॉर्मेंस इशू। तो जो परफॉर्मेंस इशू है यहाँ पे 1UI 3.0 के अंदर ना बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो लोग डिले या फिर स्लो एनिमेशंस को यहाँ पे फेस कर रहे हैं जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, 1UI 3.0 काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड फास्ट UI है। तो ये एक परफॉर्मेंस बग है एंड उसी के साथ साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अच्छे से वर्क नहीं करती हैं और जो आप लोगों का डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन लॉन्चर है 1UI 3.0 का उसके अंदर भी कुछ बग्स हैं, जब आप लोग इसको करते हो तो ये क्रैश हो जाता है और जो बेंचमार्क स्कोर है वो 1UI 3.0 का काफ़ी ज़्यादा लो है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1UI 2.5 से। तो ये एक बग है जो कि सैमसंग को यहाँ पे सॉल्व करने की लगता है। देन इसके बाद हमारा है डिवाइस हीटिंग इशूज। तो यहाँ पर ना डिवाइस हीटिंग इशू यहाँ पे मेजर बग बन जाता है 1UI 3.0 का बिकॉज अगर आप लोग अपने डिवाइस को ओवर ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाते हो हीटिंग के तो आप लोगों के डिवाइस में कुछ अलर्ट्स आने लगते हैं एंड आप लोगों का डिवाइस यहाँ पे फट भी सकता है। तो अगर फ़ोन ज़्यादा हीट करे तो उसको रख दो थोड़ी देर के लिए, तब मत चलाओ। और यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग की जो न्यू 1UI 3.0 है और एंड्रॉयड 11 अपडेट है इसके बीटा अपडेट यूज़र्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है जो सैमसंग को यहाँ पे फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहो तो आप लोग यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए जिनको आप लोग ले सकते हो, लाइक आप लोग जो गेम्स हैं उनको हाई टेम्परेचर पर मत खेलो, थर्ड पार्टी क्लीनिंग एप्लीकेशंस को मत यूज़ करो और डोंट ओवर स्टोर योर फ़ोन। अब इसका मतलब है कि आप लोग अपने डिवाइस में ना ज़्यादा स्टोरेज मत करो, जैसे बहुत सी यूज़र्स होते हैं 90% 100% उनकी स्टोरेज होती है वो फुल होती है तो उसके लिए जो आप लोगों का रैम है रैम के लिए स्टोरेज नहीं बच पाती तो रैम क्या करती है आप लोगों की प्रॉब्लम करती, तो उसके लिए आप लोग थोड़ी सी स्टोरेज खाली रखो एंड आप लोगों को हाई टेम्परेचर में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है तो ये चीज़ भी आप लोगों के कैमरे को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ों ये प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हो। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग इशूज़ की। तो यहाँ पर ना 1UI 3.0 के अंदर यहाँ पे फीचर एडवांस UI है सैमसंग की तरफ से और सैमसंग ने यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी ऐड करे गए हैं लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब यूज़र्स यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना अच्छी तो है बट 1UI 2.5 के मामले में यहाँ पे 1UI 2.5 के अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसके हिसाब से जो बैटरी ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक ये चीज़ ना यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है यूज़र्स को और उसी के साथ साथ स्टे अवे आप लोगों को कहा है। अगर आप लोग बोल यूँ कहते हो ना कि आप लोगों की जो बैटरी ड्रेन है वो नहीं होती तो इसके लिए आप लोगों को थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अभी ऊपर वाले जो प्रिकॉशंस थे वही सेम प्रिकॉशंस आप लोगों को बैटरी ड्रेन इशू में भी लेने हैं क्योंकि देखो जब जब आप लोगों का डिवाइस हीट करेगा
तो आप लोगों का डिवाइस बेसिकली बैटरी ड्रेन जरूर से करेगा। और अगर आप लोग अपनी डिवाइस की बैटरी को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोगों को ओवर चार्ज नहीं करना, आप लोगों को ना 15% के नीचे नहीं जाना चार्जिंग के वक्त एंड 80% के ऊपर नहीं चार्ज करना। तो ये चीज़ों को अगर आप लोग प्रिकॉशंस लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आप लोगों की बैटरी ड्रेन चलेगी। देन इसके बाद आप लोगों को एक इशू मिल जाता है यहाँ पे, स्क्रीन फ्रीज इशू। अब स्क्रीन फ्रीज इशू है तो यहाँ पर ना 1UI 3.0 के जो एक्सेप्शंस हैं उसके ना यहाँ पे लोड्स ऑफ चेंजेस हैं एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट किए गए हैं। तो यहाँ पे ना बग्स हैं जो कि यूज़र्स फेस कर रहे थे सैमसंग के डिवाइसेस के अंदर, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेकार है। देन इसी के बाद हमारा कैमरा स्टक, बहुत से यूज़र्स का कैमरा नहीं चल रहा है तो कैमरा स्टक एक काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है बड़ा। अब कैमरा स्टक ना मेरे साथ भी रियली में काफ़ी बार हो चुका है। मेरे M31 डिवाइस के अंदर अभी 1UI 3.0 चल रही है तो उसके अंदर ना कैमरा स्टक की एक मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बीच बीच में कैमरा जो है वो स्टक कर जाता है, तो ये चीज़ मुझको काफ़ी ज़्यादा फेस हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। देन इसी के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बैंग ब्लैंक स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे एक यूज़र है अभिषेक कुमार नाम से, तो इनका कहना है जो स्क्रीनशॉट ये कैप्चर कर रहे हैं ना वो इंटायर स्क्रीनशॉट ब्लैक कलर में कैप्चर हो रहा है, बट ये पता नहीं दिक्कत कैसी है, 1UI 3.0 की दिक्कत है या फिर इनके फ़ोन की दिक्कत है। बट ये कह रहे थे कि 1UI 2.5 में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जो 1UI 3.0 के अंदर आ रही है, तो ये चीज़ अगर ऐसा है तो ये 1UI का ही मेजर प्रॉब्लम है, तो इसको फिक्स करना चाहिए सैमसंग को। अगर आप लोगों को गाइस इनमें से कोई भी एक बग फेस हुआ तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे जो थर्ड पार्टी आइकन पैक्स हैं आप लोगों का वो लग ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर ना अकॉर्डिंग टू द फीडबैक यहाँ पे यूज़र्स ना स्टार्टिंग से ही आइकन पैक्स को अपने गैलेक्सी डिवाइसेस के साथ अच्छे से नहीं लगा पा रहे थे, तो ये चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बग निकल के आता है। इसी के साथ साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर है, 1UI 3.0 के अंदर जो आप लोगों की ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसके अंदर ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, बट जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कोई कोई सर्टेन एरियाज़ में आप लोगों की चलती नहीं है, फिर अगर कभी चलती है तो उसकी जो एडेक्टिव ब्राइटनेस है वो अच्छे से ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो पाती और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो अच्छे से हो नहीं पाते। और अब वैसे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली पोजीशन चेंज करती थी वो फीचर हटा दिया गया है, तो ये चीज़ भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा बग बन जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सैमसंग डिवाइसेस के। अब इसी के साथ साथ आप लोगों को ना यहाँ पे बहुत से यूज़र्स बोल रहे थे मल्टीपल टच या फिर घोस्ट टच आ रहा है, तो बीटा स्टेज में, तो इसका आप लोग वेट करो या फिर आप लोग अपने डिवाइस की एक बार स्क्रीन चेकअप करवा लो, तो ये चीज़ है। एंड एडवर्टीजमेंट्स ऑन नोटिफिकेशंस, तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे यूजर्स बोल रहे थे कि MIUI की तरह हमको एडवर्टीजमेंट्स दिख रहे हैं नोटिफिकेशन सेड के अंदर, जो कि हमने इतना महंगा सैमसंग का फ़ोन लिया और सैमसंग के फ़ोन में कैसे दिख रहे हैं। तो भाई ये चीज़ ना देखो सैमसंग खुद कहता है, तो इसको अगर आप लोगों को डिसेबल करना है तो आप लोग ना यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, आप लोगों को सिंपली जाना होगा सेटिंग के अंदर, देन आप लोग सेटिंग के अंदर प्राइवेसी के अंदर जाओगे तो आप लोगों को ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों को इसको सिंपली क्या करना है ऑफ कर देना है, तो इसके बाद आप लोगों के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो नोटिफिकेशन सेड के अंदर नहीं शो करेंगे, तो ये भी काफ़ी बेकार चीज़ लगती है, जिनको नहीं पता वो लोग क्या करें, तो उनके लिए एक है तो इसको आप लोग वहाँ से आके फिक्स कर सकते हो। देन इसके बाद जो गेम स्पेस है, लोगों का गेम स्पेस क्रैश कर रहा है। गेम स्पेस के अंदर ना एक प्रॉब्लम चल रही है, 1UI 3.0 बीटा अपडेट जिन जिन का है उनके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करो, 1UI 3.0 का जब स्टेबल अपडेट आएगा ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। देन इसके बाद गूगल कैमरा नॉट वर्किंग, तो अब यहाँ पे ना देखो बहुत सारे जो मीडिया टेक के प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर चलता ही नहीं है, मीडिया टेक एक्जीनोस इन प्रोसेसर्स के अंदर चलता नहीं है, तो 1UI 3.0 का इशू नहीं है, ये आप लोगों के प्रोसेसर का इशू है, तो इसको अब सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है, बट थ्रू दी सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये चीज़ हो सकती है, तो 1UI 3.0 का स्टेबल अपडेट का वेट करो, उसके अंदर आ जाएगा। देन गाइस इसके बाद यहाँ पे जो ये डिफ़ॉल्ट लाइव वॉलपेपर है, गूगल ट्रेलर का इशू है, ये सब तो कुछ कॉमन इशूज हैं जिनको आप लोग थोड़ा कर सकते हो नज़रअंदाज, तो आप लोग यहाँ पे आके पूरी चीज़ें देख सकते हो। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को ज़रूर से जाननी चाहिए 1UI 3.0 के बारे में। आप लोग चाहो तो 1UI 3.1 की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके इस पोस्ट में पढ़ सकते हो, एंड यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी।
आई होप आप लोगों को यहाँ पर ना ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।